गुड इवनिंग एवरीवन, मैं संतोष कुमार सुमन जनसुविधा फाउंडेशन से एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच अगला वीडियो लेकर। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे का जब नामांकन होगा हमारे जनसुविधा विद्या केंद्र पर, तो उस केंद्र पर जब बच्चे आएंगे और पहले दिन आएंगे और उसके बाद भी आते रहेंगे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर पहले दिन बच्चे आते हैं और पहले दिन से उसको अगर हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो शायद अगले दिन से वो भाग जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक रिलेशनशिप विद देम। हम लोगों को बच्चों के साथ रिश्ता बनाना है, रिश्ता को गाढ़ा करना है। जब तक रिश्ता बनेगा नहीं बच्चों के साथ, बच्चे हमसे जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। इस तरह से उससे रिश्ता बना लेना है, रिश्ता इतना गाढ़ा कर लेना है, इतना पक्का कर लेना है कि बच्चे आ जाए तो कल हो के आने के लिए आतुर रहे। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की पसंद, बच्चों की पसंद और नापसंद, बच्चों की पसंद और नापसंद की जानकारी हमारे वार्ड सुविधा सेवी को होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हम बच्चों से बात करेंगे। बच्चे जिस तरह से बात करना चाहे, जिस भाषा में बात करना चाहिए चाहे, उस भाषा में आप बात कर सकती हैं या आप बात कर सकते हैं। जिस भी भाषा लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, लोकल लैंग्वेज में बात करने से ये होगा कि आप जो बच्चा होगा उस बच्चे को लगेगा कि हम घर में ही हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी बच्चे का, किसी भी बच्चे को बुलाया जाए हमारे वार्ड सुविधा सेवी द्वारा, तो उन्हें बच्चे उस बच्चे के नाम से बुलाया जाए। जैसे अगर किसी का नाम सोहन है तो उसको बोल ऐसे नहीं बोलेंगे कि लड़का इधर आओ, उसको ऐसे बोलेंगे कि सोहन बेटा इधर आओ। सोहन नाम से, नाम अगर उसका बोलते हैं आप, तो आपसे एक एक अलग सा अपनापन बनता है और वो अपनापन आपको बच्चे से करीब करेगा और आपके और बच्चों के बीच की दूरी को ख़त्म करेगा। जब दूरी ख़त्म हो जाएगा तब आप जो उसको पिलाएंगे वो पीने के लिए तैयार रहेगा, जो आप पढ़ाएंगे वो पढ़ने के लिए तैयार रहेगा और जो आप उनको देंगे वो आसानी से ग्रहण कर लेगा। ये बात हो गई। उसके बाद बच्चों को जो पसंद नापसंद पता हो जाएगा, उसके बाद मान लिया जाए किसी बच्चे को अगर खेलना पसंद है तो आप खेल के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, तो बच्चे को लगेगा भी नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और आप, बच्चे को लगेगा हम खेल रहे हैं और उस खेल के को जरिया बनाकर आप उसको पढ़ा दे रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा खेलना चाहते है, गोटी गोटी खेलता है, दो चार दस ठो गिट्टी का टुकड़ा, काला गिट्टी या कोई भी टुकड़ा ले लीजिए और उसको बच्चे को दे दीजिए खेलने के लिए, अपना खेल रहा है उसी में उसको बोल सकते हैं कि बेटा एक गिट्टी ले के आओ। एक गिट्टी लाएगा, फिर उसको बोलेंगे बेटा दो गिट्टी लेके आओ। दो गिट्टी लेके आएगा, दो गिट्टी रख दिया, उसके बाद सोहन आया, सोहन ने दो गिट्टी रखा, उसके बाद नीतू को बुलाएंगे, नीतू बेटा आप आओ और आप बताओ कि सोहन ने कितना गिट्टी रखा। वो अपने खुद बताएगा, एक दो गिन करके बता देगा। फिर उसको बोलेंगे कि आप इसकी जितना गिट्टी ये रखा है उसका दोगुना गिट्टी आप भी लाओ। इस प्रकार से खेल खेले में वो गिनती भी सीख रहे हैं, कैलकुलेशन का बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस भी सीख रहे हैं, गुना भी सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं और साथ में उसको मज़ा भी आ रहा है, मज़ा भी आना चाहिए।